झांसी जिले में एक नामालूम से बुजुर्ग के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। ये हैं प्रोफेसर राधा चरण गुप्ता, जिन्हें बुंदेलखंड इलाके में रामानुजम के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज तक झांसी जिले में ही बहुत से लोग उनके नाम से परिचित नहीं थे, लेकिन अब जिले में ही नहीं बल्कि देश भर में राधा चरण गुप्ता के बारे में चर्चा हो रही है। 88 वर्ष के राधा चरण गुप्ता को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। ये टीस उनके चेहरे पर उभरती है जब वो बताते हैं कि लोग अक्सर उनसे पूछा करते थे कि आपने इतना काम किया है तो सरकार आपको इसके लिए सम्मानित क्यों नहीं करती। वो चुप लगा जाते थे, लेकिन अब प्रोफेसर राधा चरण गुप्ता पद्मश्री हैं। जानकारी तो ऐसे ही सब मतलब लोगों से, आपस के लोगों से मिली है, और वहां से भी एक आई थी मैसेज, क्या मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री से, ऐसा कि आपको इसके लिए चूज किया गया है, आपको मिलेगा कागज बाद में। तो ऐसा है, और जहाँ तक कैसा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, और क्या है, क्योंकि ये लोग अक्सर हमसे पूछते थे कि आपने इतना काम किया, आपको भारत सरकार या कोई रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, ये है। तो अब वो मिल गया तो लोगों की जिज्ञासा वो दूर हो गई, हमारा हमको अच्छा लगा कि भारत सरकार ने हमारे काम का को रिकॉग्नाइज किया है। 88 साल के राधा चरण गुप्ता को देर से ही सही, लेकिन सरकार ने सम्मानित किया तो लोगों को उनकी अनोखी कहानी पता चली। गणित के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि विश्व विख्यात है, लेकिन इसके बावजूद गणित से अधिकांश बच्चों को डर लगता है। प्रोफेसर राधा चरण गुप्ता ने गणित के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। वो गणित के इतिहासकार हैं। उन्होंने गणित पर सालों शोध कर उसके इतिहास का ग्रंथ रचा है। उम्मीद है अब प्रोफेसर राधा चरण गुप्ता का नाम और काम कहीं अधिक लोगों तक पहुंचेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।